हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल सोना के फूड में। और आज हम बनाने वाले हैं एक अलग ही तरह का नाश्ता, टेस्टी नाश्ता जो हम फरियाली में, उपवास में भी यूज़ कर सकते हैं और हम ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी देखनी है तो आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा और मैं वीडियो के अंत में आपको कुछ टिप्स। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके लिए मूंगफली के दाने लिए हैं जो मैंने आधा कप लिए हैं और सेक लिए हैं। आलू लिए हैं मैंने इसमें उबले हुए। साबूदाने लिए हैं 1.5 कप, आप 1 कप सेट कर लीजिए। हरी मिर्च का पेस्ट लिया है और टमाटर लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के। और मैंने आलू लिए हैं जिनको मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। अब हमें साबूदानों को एक मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। हमें किसी भी तरह से इनमें धोना नहीं है। ये देखिए, मैंने इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है और एक पाउडर बना लिया है। हमें हल्का दरदरा पाउडर बनाना है, एकदम फाइन में ही बनाना है। अब बॉल में आलू लेकर उन्हें मैश कर लेंगे और उसमें हम साबूदाने का जो पाउडर बनाया था वो हम ऐड कर देंगे। और उसके बाद हम हमारे जो मूंगफली के दाने हमने ग्राइंड किए थे वो भी हम डाल देंगे। हमारी हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे। मैंने इन्हें दरदरा पीसा है, ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया है। टमाटर लिए हैं, उसके बाद मैंने इसमें जीरा डाले हैं, मैंने साबुत जीरा डाले हैं। अगर आपके पास जीरा पाउडर अवेलेबल हो तो आप जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डाला है मैंने, 2 चम्मच नमक डाला है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अपने हाथों से। देखिए गाइस, मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़े से तीखेपन के लिए लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। अब हमें इसे प्लेटफॉर्म पर या किसी भी थाली में या किसी भी बड़ी प्लेट में इसे हमें सेट कर लेना है। अगर ये ज़्यादा आपका मिक्सचर हो तो आप 2 बार में ऐड कर लें। हमें इसे अच्छे से एक शेप दे देना है। अगर आप किसी भी साइज़ का या किसी भी आकार का बना सकते हैं, पर हम कुरकुरे आज बना रहे हैं तो हमें इसे लंबे पीस में ही कट करना होगा। मैं जिस तरह से कट कर रही हूँ आप उसी तरह से कट कर बनाएं तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। देखिए मैं किस तरह से कट कर रही हूँ इन्हें। आप इन्हें शक्करपारे के आकार में या स्माइली के आकार में भी बना सकते हैं। स्माइली के आकार में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, पर कुरकुरे में के आकार में बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छी टेस्टी बनेंगे। मैंने इन्हें बड़े बड़े पीसों में कट कर लिया है, जिस तरह आप देख रहे हैं। ये नीचे चिपकेगा नहीं प्लेटफॉर्म पर या थाली में। अगर आप थाली में बना रहे हैं तो थोड़ा ऑयल लगा लें। मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लिया है। अब मैं एक एक कर इसमें जो हमने टेस्टी नाश्ता बना रहे हैं उसके हम ये कुरकुरे ऐड करेंगे। हमें मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। और इन्हें एक तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है, फिर निकाल लेना है। दोनों तरफ से हल्का ब्राउन होने पर निकाल लेना है। मैंने इन्हें एक प्लेट में निकाल लिया है। इसी तरह मैं सारे कुरकुरे बनाकर तैयार कर लूँगी। मैंने इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। देखिए इनका टेक्सचर कितना टेस्टी लग रहा है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और कुरकुरे होते हैं। अब जो मैं आपको टिप्स बताने वाली हूँ वो इन्हें और भी टेस्टी कर देंगे। जब भी आप ये कुरकुरे बनाएं तो आप साबूदाने को थोड़ा हल्का दरदरा पीसें। कढ़ाई में हमें इन्हें एक साथ नहीं डालना है, थोड़े थोड़े करके ही डालना है, वरना ये फैल जाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।